प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के बागला आयु शक्ति आयुर्वेद क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कब्जी के बारे में, जिसे कब्ज या इंग्लिश में कंस्टिपेशन भी कहते हैं। इसका होने का मुख्य कारण आपका खान पान है। जब आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं होता, जोर लगाना पड़ता है या एक एक दो दो दिन आप मल त्याग नहीं कर पाते तो ये कब्जी हो जाती है। इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। कई लोगों में तो ऐसा देखने में आया है कि बचपन से ही कब्जी है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, और स्कूल में जाने के बाद आपको वहाँ पर सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, या क्लास में आप सभी बच्चों में छुट्टी लेते हुए या कहते हुए शर्माते हैं और अपने मन को रोक कर रखते हैं, तो कब्जी होने का मुख्य कारण ये भी है। आयुर्वेद के अनुसार 5 ऐसे वेग होते हैं जिनको रोकने से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। पहला मल त्याग, दूसरा मूत्र त्याग, तीसरा भूख, चौथा प्यास, पांचवा छींक। ये 5 वेग ऐसे हैं जिनको कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर आप किसी कारण से मल को रोकते हैं, ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टूल पास करने जाना चाहिए, पर आप इसलिए नहीं जाते कि आपके साथी आपको क्या कहेंगे, जाऊंगा तो वो शर्म आएगी, तो इस वजह से भी आप रोक लेते हैं। या कई बार काम में बिजी हैं, मार्केट में बिजी हैं, ऑफिस में बिजी हैं, या बिजनेस टूर पर हैं, कई बार आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो वो साधन नहीं मिलने से आप इनको रोक लेते हैं। तो इस वेगों को रोकने से कब्जी होना स्वाभाविक है। दूसरा मुख्य कारण है आपका खान पान। आप बेसन मैदे की तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये कब्जी हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है। पानी के पीने के बाद आप अपना फ्रेश होने जाएं। फ्रेश होने के बाद आप लौकी या खीरे का जूस या एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खान पान में खाने से पहले सलाद खाएं, खाने से पहले फल खाएं। खाने में ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा भारी चीज़ें, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो आप इससे बच सकते हैं। आपको अपने पेट को ठंडा रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको छाछ या बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एक चुटकी नमक या एक चुटकी सेंधा नमक डालकर पी सकते हैं। ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद उसी वक्त ना सोएं, थोड़ी देर आप घूमें। रात को घूमने के बाद जब आपका खाना हजम हो जाए तब आपने सोना है। खाने और सोने में लगभग 2 से 3 घंटे का अंतर रखें। अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या किसी मित्र को इस तरह की कोई समस्या है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई अगर टेस्ट करवाया तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और निःशुल्क परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।